हाँ तो गाइस, फायरबोल्ट की तरफ से फिर से उनका एक नया स्मार्ट वॉच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम होगा फायरबोल्ट क्वांटम। भाई आपने देखा होगा अभी जो भी स्मार्ट वॉच लॉन्च हो रही है, एक तो राउंड शेप में आपको मिलती है, दूसरा रेक्टेंगल शेप आपको मिलती है, बिल्कुल एक सेम सा डिजाइन अभी चला आ रहा है जो कि हमेशा से चलता आ रहा है। फायरबोल्ट काफी कुछ अलग करता है, जैसे कि आपने देखा होगा फायरबोल्ट कोबरा कुछ अलग से डिजाइन में लॉन्च किया था, फायरबोल्ट सुपरनोवा है वो भी कुछ अलग से डिजाइन में लॉन्च किया था, लेकिन भाई फायरबोल्ट क्वांटम है ना वो एकदम टोटली अलग डिजाइन में आपको मिलेगा। आपने देखा होगा जो कि स्मार्ट वॉच जो अभी अपन पहन रहे हैं, स्मार्ट वॉच जो पहले अपन पहनते थे जो कि घड़ी होती जी टिक 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 चलती थी, वैसी डिजाइन आपको अब स्मार्ट वॉच में मिलेगी। मतलब कि स्मार्ट चीज में आपको यहां पर देखने मिलेगी, स्मार्ट फीचर साथ में। अगर उसका स्ट्रिप आप देखोगे तो पूरा आपको चेन वाला मिलेगा जो कि आपको पहले मिलता था, मतलब कि एक ओल्ड इज गोल्ड वाली बात हो गई, वो चीजें आपको यहां पर देखने मिलेगी। भाई डिजाइन काफी प्रीमियम है, अगर वो बंदे जिनको कि अभी जो स्मार्ट वॉच आ रही है वो डिजाइन पसंद नहीं है, उनको वो चेन वाला डिजाइन पसंद आता है, तो उनके लिए ये जो चीज होगी ना वो काफी तगड़ी होगी। भाई अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एक नया स्मार्ट वॉच, इस वीडियो में बने रहिए, सारा कुछ बताने वाला हूं इस नई फायरबोल्ट क्वांटम के बारे में। देखो भाई सबसे पहले बात करता हूं इसकी डिजाइन की। डिजाइन में आपको अच्छी अभी स्टार्टिंग में बता ही दिया हूं भाई, एक काफी अलग से डिजाइन आपको मिलेगी। स्टेनलेस स्टील का आपको बिल्ड यहां पर देखने मिलेगा, काफी मजबूत बिल्ड आपको मिलेगा, एंड यहां पर कोई कलर चॉइस तो आपको मिलेगी नहीं क्योंकि एक चेन वाला डिजाइन आपको मिलेगा। बाकी जो राउंड डायल होता है वहां पर आपको कुछ कलर्स यहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं, बाकी जो डिजाइन है जो बिल्ड है ना वो काफी तगड़ा आपको मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं इसके डिस्प्ले की तो भाई यहां पर आपको 1.28 इंचेस का एक अच्छा खासा डिस्प्ले देखने मिलेगा जो कि 240x240 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में आपको मिलेगा। टच डिस्प्ले आपको यहां पर देखने मिलेगा, और उसी के साथ में गाइस यहां पर आपको अगर खुद का फोटो लगाना चाहते हो तो वो भी आप इसमें लगा सकते हो, यानी कस्टमाइज अगर आप करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। तो भाई एक अच्छी डिजाइन, एक अच्छी डिजाइन के साथ में एक अच्छा डिस्प्ले आपको मिलेगा, और उसी के साथ में सारे हेल्थ फीचर्स आपको मिलेंगे, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप रेट मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड, स्पीड हो गया, सारी चीज आपको मिलेगी। कुछ मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड आपको मिलेंगे, अगर आप इसमें कुछ स्पोर्ट्स मोड यूज करना चाहो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। अब बात आती है इस स्मार्ट वॉच के सारे स्मार्ट फीचर्स की जो कि इसमें काफी अलग अलग चीजें दी गई हैं। देखो भाई ऊपर से तो ये है कूलिंग स्मार्ट वॉच, यहाँ पर बिल्ड इन स्पीकर एंड माइक आपको देखने मिलेगा जिससे कि आप इसमें सॉन्ग भी सुन सकते हैं, कॉलिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, जो भी आपको चाहिए होगा वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। कुछ गेम्स मिलेंगे, गेम्स भी आप इसमें खेल पाएंगे। जो एक्स्ट्रा चीज है ना वो है इसमें आपको मिलेगा 128 MB तक का स्टोरेज, 128 MB तक का स्टोरेज आपको मिलेगा जिससे कि आप इसमें सॉन्ग वगैरह सेव कर सकते हो। और ऊपर से सबसे तगड़ी चीज ये है कि आप इससे TWS भी कनेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आपका फोन आपके पास में नहीं है, आपने स्मार्ट वॉच पर कुछ सॉन्ग सेव कर रखे हैं, तो आप TWS को अपने स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करके यहां पर सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, यानी कि सॉन्ग सुन सकते हैं। तो ये चीज आपको काफी एक्स्ट्रा यहां पर देखने के लिए मिल जाती है, तो चीजें काफी तगड़ी मिलेगी। और उसी के साथ में अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करता हूं तो IP67 का प्रोटेक्शन है, अच्छा खासा प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात आती है इसके बैटरी बैकअप की, तो भाई इतनी सारी चीजें हैं तो यहां पर आपको बैटरी बैकअप मिलेगा अप्रोक्स 7 दिन का, डिपेंड करेगा आपके यूजर्स पर कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। बाकी हार्ड यूजर्स पर आपको 2 से 3 दिन का बैकअप मिल जाएगा जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, डिजाइन वगैरह सारी चीजें तगड़ी मिल रही है तो 2 से 3 दिन ठीक मैं कहूंगा। बाकी देखो भाई सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड 3.5 से लेकर 4,000 तक इसका प्राइस जा सकता है, क्योंकि में चीजें भी उसी क्वालिटी की आपको देखने मिल रही है। बाकी अभी प्राइस एंड लॉन्च रेट के बारे में कुछ ही कंफर्म नहीं है, मैं एक्सपेक्टेड चीजें आपको बता रहा हूं, बाकी फीचर्स बिल्कुल कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं, और जो प्राइस वगैरह होगी वो जैसे ही अपडेट होती है मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। बाकी इसके साथ में किसी कंपेरिजन वीडियो आपको देखना हो या इससे रिलेटेड आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो भाई मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।